डिंडोरी जिले के आदिवासी विभाग के छात्रावासों के हाल बेहाल है। छात्रावासों में मिलने वाली सुविधाओं से छात्राएं वंचित है, जिसके कारण आए दिन छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत कर रही है। मंगलवार को जिला मुख्यालय के दो बालिका छात्रावास की छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी शिकायत सहायक आयुक्त को बताई। विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा छात्रावास की छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल अधीक्षिका नए छात्राओं से पैसे की मांग करती है, साथ ही हॉस्टल में मिलने वाली छात्राओं को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। वही जनजातीय छात्रावास की छात्राओं का आरोप है कि अधीक्षिका छात्राओं को जाति सूचक गालियां देती है, साथ ही न नाश्ता मिलता न ही पेट भर खाना मिलता। वही हॉस्टल अधीक्षिका छात्राओं से कहती है, सब पैसे तो अधिकारी ले लेते हैं तो तुम्हें कहाँ से सब कुछ खिलाए। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं में आक्रोश है। सहायक आयुक्त के द्वारा दोनों हॉस्टलों की जाँच कराई जा रही है। अब देखना यह होगा कि छात्राओं के मामले में जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं या फिर जांच के नाम पर खाना पूर्ति करते हैं। कई बार क्या मांगे आप लोग, क्या सुविधा चाहिए, सुविधा में जैसे बताइए। हम लोग जिस पिछले दिन जाति बालिका छात्रावास से आए हैं, हमें सुविधा की कमी है, हमारे हॉस्टल में नमक साबुन कुछ नहीं मिलता है और रहने के लिए और खाने के लिए और हमारी ही संस्था की जगह छात्रावास है, लेकिन उसमें सब कुछ सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे कुछ नहीं। खाने की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? तो क्या परेशानी है आप? हमारे लिए हॉस्टल में वो नहीं आती और मैम बोलती है कि नहीं आती है बेटा, वो महिला पैगाम के अकाउंट में जाता है, उसमें भी वो पंचायत की तरफ से जाता है और हमारे लिए जो हॉस्टल में आती है वो कुछ भी नहीं मिलता है। क्या चाहते हैं, क्या मांगे आप लोगों को? जी सर, हम कुछ नहीं मांगते हैं, हमें चाहिए सुविधा, निर्मा साबुन, महिला में स्वेटर, कुछ और जो बचत राशि रहती है वो भी नहीं देती, कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती। कौन से हॉस्टल से आई हो? मैं जनजाति बैगर छात्रावास से हूँ सर। किसी से 1,000 लेते हैं, किसी से 2,000, किसी से 3,000 लेना चाहिए, तो उनको एक जज लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेते हैं, अलग अलग तरीके। और मैम ये कहती है कि ये आपसे मैटर है, किसी को बता दो। किस बात का पैसा लिया जाता है? क्या कह के पैसे लेते हैं आप लोग? हर महीना देते हो? हर महीने? ऐसे कितनी छात्राएं हैं जिनसे लेते हैं? ये सर पूरे छात्रावास। कितने बच्चे हैं छात्रावास में? टोटल आज आप लोग यहाँ पहुँची हैं, अब क्या चाहते हैं, क्या शिकायत लेके आए? सर हमें सिर्फ सुविधा है उपलब्ध होना चाहिए हमारे छात्रावास में। मैं ग्राम पिंडरुखी की हूँ। हमारे हॉस्टल अधीक्षिका मैम का नाम श्रीमती संध्या उइके हैं। क्या परेशानी है? हमारी मैम कहती है मैं एसी सर बीओ सर सबको दे देती हूँ पैसे, तो तुम लोग को कहाँ से खिलाऊं, और ना तो हॉस्टल में कुछ नहीं डालती है सर, वो बहुत परेशान करती है और हर कुछ कुछ भी बोलने से, मतलब बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने दूर दूर तक उनकी पहुँच है, तो मतलब कुछ भी होगा तो हमको पता चल जाता है। डिंडोरी से राजेंद्र तंतवाई की रिपोर्ट।